मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं जो कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो है हम सारी कौम जो है वो एक साथ है और जो है ये सब इंसानियत के ख़िलाफ़ है, तो ये नहीं होना चाहिए। और मेरा तो कहना ये है कि हमें जो है या कश्मीर जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का नहीं होना चाहिए, कश्मीर को, कश्मीर में अमन होना चाहिए और वो जो चाहते हैं वो होना चाहिए, उनसे पूछा जाए। कश्मीरी आवाम को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेशक वो निगलेक्टेड फील करते हैं या सब कुछ, मगर हम उनके साथ हैं और कश्मीर तो पाकिस्तान की शहरग है और जितने हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं हम उनके ऊपर होते हुए मजालिम ना सिर्फ देखते हैं बल्कि हम महसूस भी कर सकते हैं और हम हर हाल में उनके साथ हैं, चाहे वो यूएन में उनके कॉज को आगे बढ़ाना हो या इवन मतलब पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अवेयरनेस के लिए सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, तो वो इसीलिए कि हमें एहसास हो कि जो हमारी कश्मीरी कौम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करी और हमारे मुसलमान भाई कश्मीरी बहन भाई हैं तो हम उनके साथ यकजहती में हैं। जी जी देखिए मुतमईन तो कोई भी 100% नहीं हो सकता, मगर मेरे ख़्याल से जब आवाज़ उठाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो कम से कम इतना हो गया है कि लोगों में शऊर पैदा हो रहा है और आवाज़ उठाई जा रही है, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि वॉइस रेज की जाए, उसके बाद वाया एक्शंस होता है। तो आवाज़ उठाई जाएगी, डायलॉग की तरफ लीड किया जाएगा, क्योंकि अगर आप उस एस्पेक्ट से देखें कि डीमिलिटराइजेशन की बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, तो वॉर इज़ नेवर द आंसर, मगर बट पीसेस एंड पीसेस ओनली पॉसिबल वाया डायलॉग। तो ये जो अवेयरनेस और डायलॉग हुआ जा रहा है आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव एफर्ट है जिससे मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ और ये बहुत पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में।